सुन लिया रज मान जाई हमारे पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई हमार पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई पिया बहरी न जाई। हमार पिया अरे बहरी न जाई। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जी मैं उपेंद्र कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। अभी विजयवाड़ा में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग 30 आदमी हैं जो मुजफ्फरपुर वैशाली और मोतिहारी बिहार के कई जिलों से हैं, जो सभी हम लोग मछुआरा समाज से आते हैं। और हालांकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ पहले जब हम लोग फंसे थे तो एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हम लोगों को खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था, कोई उपाय नहीं था। तो उस समय हमने एक वीडियो दिखाया था जो भारत लाइव के माध्यम से, और उस वीडियो को दिखाने के बाद भारत लाइव वाले ने हमारा मदद किया और सपोर्ट किए। और एक बिहार के अंदर में भारत लाइव ही एक ऐसा चैनल है जो हर फंसे हुए मजदूरों को मदद कर रहा है, और हम लोगों को भी वही किए जो उनको करना चाहिए। और ख़ास करके जो वीडियो हमने मुकेश सहनी के बारे में बनाया था तो उस पर मुकेश जी सामने आए और खुल के मदद भी किए, जो हम लोगों को खाना पीना का व्यवस्था यहाँ पे किए। और उसके बाद खाना पीना के व्यवस्था करने के बाद 2-3 दिन खाना पीना मिला हम लोगों को। उसके बाद से खाना पीना हम लोग वो अच्छा खाना नहीं आ रहा था, जो भी था जितना में था वो हम लोगों उसको नहीं खा पा रहे थे, तो उसको हम लोग मना कर दिए। और उसके बाद हम लोग जो कि घर से सब कोई अपने अपने फैमिली से अपने इधर उधर से पैसा कुछ एडजस्ट कर करके अपना का किसी भी तरह से काम चलाया, और यहाँ पे सब कोई अपना किसी भी तरह से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बात तो तब बुरा लगा कि जब पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, और उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन होने के बाद फिर इस पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने इसको बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद में अबे 2 महीना तक हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। और इसमें शायद नीतीश कुमार ये नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में हथियार भी करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब नीतीश कुमार ये नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि इस बीच में यहाँ पे जो एक मजदूरी करने यहाँ पे आया था उसका पत्नी का देहांत हो गया, उसका पत्नी का मृत्यु हो गया, फिर भी वो अपने पत्नी को देखना तो दूर की बात, जबकि वो उसका दाह संस्कार करने के लिए भी तड़पते रह गया लेकिन नहीं पहुंच पाया। उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोगों का घर भी जल गया उधर गांव में, जो आंधी तूफान से लाइन माने इलेक्ट्रिक से वो लोग भी यहाँ पर, तो जो मजदूर सिर्फ अकेला थे घर पे कमाने वाले थे और डेली का दिहाड़ी करके खाने वाले मजदूर थे, वो उनका फैमिली परिवार उधर अलग ही तरफ रहा है गांव में, और यहाँ पे तो तरफ ही रहा है, यहाँ पे तरफ ही रहा है। लेकिन इन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार शायद उनके पास भी औलाद है, और उनके पास वो उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास भी औलाद है, खास करके उनका अगर लड़का अगर कहीं बाहर में अगर फंसा होता या किसी नेता मंत्री का अगर फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं से बुला लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग गरीब मजदूर जो इतना मेहनत करके कमाते हैं 10 रुपया और अपने घर को चलाते हैं, और फिर भी उनको किसी भी तरह से हम लोग इतना मजदूरी करके कमाने के बाद भी हम लोग सरकार के प्रति इतना ध्यान देते हैं और मदद करके और सरकार बनाते हैं,
लेकिन आज नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि हाँ हमारे बिहार के इतने गरीब मजदूर कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको किसी भी तरह से बिहार वापस बुला लिया जाए, क्योंकि वो लोग परिवार अलग ही तड़प रहे हैं। अगर नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैंने 1,000 रुपया दिया, तो क्या 1,000 रुपया में जो परिवार 15 से 20 आदमी हैं, क्या वो कितना दिन खा सकता है, घर कितना दिन चला सकते हैं? अकाउंट नहीं है, वो कहाँ से खा पाएगा? हर आदमी के पास अकाउंट भी नहीं है, और हम लोग तो यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हम लोग किसी के पास वो भी 1,000 रुपया हम लोगों को नहीं मिला और नहीं हम लोगों के पास आया। और वो बोलते हैं कि खाना से लेकर हर व्यवस्था हमारा पहुँच रहा है जहाँ भी मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट में 500 से अधिक मजदूर हैं जो आंध्र प्रदेश से लेकर केरला तमिलनाडु से लेकर फंसे हुए हैं, जो रात दिन मुझसे बात भी होता है सभी लोगों का, लेकिन किसी लोग को भी किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा है। और सब कोई रात दिन फ़ोन करके यही कहते हैं कि घर कब चलना है, कोई व्यवस्था तो होना चाहिए जो हम लोग किसी भी तरह से और कोई नहीं तो घर पहुंच जाए, लेकिन नीतीश सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। खास करके मैं बिहार के खास करके पप्पू यादव जी को धन्यवाद करता हूं, और खास करके सोन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ऐसे ऐसे शख्स तेजस्वी यादव को भी कि आज पावर में नहीं रहते हुए भी, कुछ नहीं रहते हुए भी, जो भी हो रहा है जहां से भी हो रहा है जितना हो रहा है उतना मदद कर रहे हैं। और शायद आज अगर वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बिहार के गरीब मजदूर को वापस बिहार बुला लिया जाए, लेकिन इस पर नीतीश कुमार अगर वो लोग क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं, वो पावर में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? जब तक उनको जरूरत है या नहीं है, सरकार जब तक परमिशन नहीं देगी, नीतीश कुमार जब तक इस पर परमिशन नहीं देंगे, जब तक बोल लेंगे नहीं, तब तक वो लोग भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूँ कि किसी भी तरह से हम लोग फंसे हुए मजदूर को वापस घर बुला लिया जाए, क्योंकि उधर घर परिवार अलग तरफ रहा है, इधर जो लोग मजदूरी करने आए यहाँ पे अलग तरफ रहे हैं, न यहाँ पे काम है, न ही खाने का कोई टाइम टेबल है, नहीं कुछ मिल रहा है। तो खास करके इस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर यही गरीब मजदूर है जो एक एक अपना कीमती वोट देकर आज सरकार बनाया, लेकिन इस पर नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बिहार की जनता से कोई प्यार ही नहीं है, गरीब मजदूर से कोई प्यार ही नहीं है, गरीब मजदूर के प्रति कोई उनका भावना ही नहीं है कि वो गरीब मजदूर को बुला लिया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त में यही गरीब मजदूर हैं कि जो उनको साथ देकर आज यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो खास करके वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग बिहार में जैसे पप्पू यादव, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ऐसे ऐसे लोग जो बिहारियों को वापस बुलाना चाह रहे हैं, जो गरीब मजदूर को बुलाना चाह रहे हैं, तो उस पर वो लोग से भी सपोर्ट करके मिल के वो वापस बुला सकते थे, और नहीं तो फिर 2 महीना से ज़्यादा होने जा रहा है कोरोना वायरस को, और उस वायरस को लेकर आज तक क्या सरकार अर्थव्यवस्था करके जांच कराकर बिहार वापस नहीं बुला सकते हैं? क्यों नहीं बुला सकते हैं? आज यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ सभी को बुला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि बिहार की जनता, बिहार की मजदूर, उन्हें ज़रा भी उनका कोई फिक्र नहीं है कि बिहार के मजदूर कहीं तरफ तरफ के मर रहे हैं, उसका घर परिवार मर रहा है, और इस बात पर उन्हें विचार करना चाहिए और किसी भी तरह से बिहारियों को वापस बुलाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए कि जो बिहार के मजदूर, यही जनता जो मजदूर मजदूरी करके और फिर भी अपना पेट पालता है, फिर भी किसी भी तरह से सरकार बनाते हैं, होता है तो हम ही लोगों को रोना। आज मजदूर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होता है? हम लोगों को होता है, क्योंकि हम लोग मजदूर हैं। आज लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समस्या किसके पास है? हम लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग एक मजदूर हैं और मजदूरी कर रहे थे तो काम भी बंद होगा, एक तो 1 रुपया कमा भी नहीं रहे हम लोग, उसके अलावा कि घर परिवार भी तड़प रहा है। आप बोलते हैं कि राशन जा रहा है, क्या राशन सिर्फ खाने से जो 10 परिवार है 1,000 रुपया आपके भेज देने से क्या किसी का परिवार 2 महीना तक खा पाएगा, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी इस बात को नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार
जी को अगर बुढ़ापे में अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बिहार को चलाया जाए, तो बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे नौजवान बिहार में बैठे हुए हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सौरभ मल्ला, मुकेश सहनी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज भी बिहार को चलाने के लिए वहाँ पे उपलब्ध हैं और वो लोग चला सकते हैं और वो लोग खास करके गरीब मजदूर पर ध्यान रख सकते हैं। तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने आप से, सोच समझ के कि हाँ बुढ़ापे में हमसे नहीं चलने वाला है, तो उनको सीट को छोड़ देना चाहिए और आराम से घर बैठना चाहिए। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आ रहा है नीतीश कुमार को, तो क्या करना चाहिए उनको, उनको तो घर जाके बैठ जाना चाहिए ना। मैं यही आग्रह करूँगा, अगर नीतीश कुमार के पास अगर पैसा नहीं है बुलाने के लिए, हम लोगों को व्यवस्था नहीं है, तो नीतीश कुमार सिर्फ परमिशन भेजें, परमिशन हम लोगों को दें, हम लोग गरीब मजदूर जितना वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा गरीब मजदूर के माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। इसलिए हम लोगों के पास जो भी होगा, जितना में होगा, हर एक एक अपना शरीर का कतरा बेच कर भी और अपने बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम अपने बच्चे को वापस घर बुला लें। और तो नीतीश कुमार अगर सक्षम नहीं है, तो वो सिर्फ परमिशन दे हम लोगों को, हम लोगों को उनको उनको उनके पास अगर पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है बुलाने का, तो सिर्फ हम लोगों को बुलाने के लिए सिर्फ परमिशन दे दे कि आप लोग घर वापस आ जाइए, हम लोग अपना अर्थव्यवस्था करके वापस आ जाएंगे। किसी भी तरह से हम लोगों जो भी हैं, कल से क्या है, रोड पे रहना पड़े गरीब को, मजदूर को, वो भी बेच करके हम लोग आ जाएंगे घर पर। हम लोग घर आना चाहते हैं और हम लोग बिहार में ही रहना चाहते हैं, और बाहर आने का जरूरत भी हम लोगों को नहीं पड़े। अगर नीतीश कुमार उतना व्यवस्था किए ही रहते, 15 साल से उनका सरकार है, अगर इतना ही व्यवस्था अगर किए अगर होते हैं, अगर बिहार के लोग के लिए अगर इतना ही कुछ किए होते, तो आज हम लोगों को यहाँ पे रहने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन इस बात पर सोचने की जरूरत है नीतीश कुमार को। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खास करके नीतीश कुमार, अगर आपको थोड़ा भी जरा भी शर्म है कि बिहार के जनता, बिहार के मजदूर ने हमें एक एक कीमती वोट देकर हमारा सरकार बनाया है और हमेशा हमारा मदद करने के लिए कायम रहते हैं, तो इस बात की थोड़ा भी आपको जिक्र हो, शर्म हो थोड़ा भी, तो आप बिहारियों को वापस बुला लीजिए, उस गरीब मजदूर को जिसके माँ बाप तड़प रहे हैं कि हमारे बेटा कब आएंगे, जिसका पत्नी तड़प रहा है कि हमारा पति घर कब आएगा। तो इसके लिए आपसे इतना ही आग्रह है कि आप जल्द से जल्द बिहारी को वापस घर बुलाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ।